أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. आज हम MS Excel को मज़ीद आगे देखते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टैक्स के फंक्शंस के बारे में बताया था मैंने. आज हम देखते हैं कि कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग शीट टू शीट एक फार्मूला हमारा है. ठीक है, अब देखते हैं. इसमें देखें नंबर ऑफ शीट्स, इसमें आप जितने मर्जी बनाना चाहे आप बना सकते हैं. लेकिन समटाइम ये होता है हमारा कि डाटा जो है वो कुछ ज़्यादा होता है और उसके बाद एक शीट का डाटा दूसरे शीट के साथ जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे कि एक शीट में हम लोग डाटा एंटर करें और दूसरी शीट में जाके हम उसको यानी किस तरीके से रिजल्ट हासिल कर सकते हैं. तो इसके लिए एक असाइनमेंट बेस काम हम लोग काम करते हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लें हम एक जिस तरीके से ये मेट्रो बस हमारे चल रहे हैं. ठीक है, या कोई राइड्स हैं या यानी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारी कौन सी है? जस्ट लाइक मेट्रो ट्रांसपोर्ट कंपनी है. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमने कि यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं डे वाइज हमने तमाम जितने भी हमारे पास इस वक्त बसेस चल रही है. ठीक है, उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनकम जो है वो जनरेट करते हैं और उसके बाद हम कहाँ कैसे समरी इसके बनाते हैं. तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि ये डे वन है. ठीक है, और उसके बाद डे वन में हमारे पास यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि सीरियल नंबर, उसके बाद बस नंबर, उसके बाद यहाँ पर सपोज कर लेते कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टिकट्स है. ठीक है, यहाँ पर कह देते हैं कि रुपीज़ एक 50 वाले टिकट हम देते हैं. तीन टिकट्स हम कर लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम, एक 80 रुपीज़ वाला कर लेते हैं और एक 100 वाला कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास ये तीन किस्म के टिकट्स चलते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है, ये अपनी तरफ से एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे टोटल सेल्स. ठीक है, या टोटल अमाउंट या टोटल सेल या जो भी है आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. तो उसके बाद आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ सीरियल नंबर वन टू. सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जितना भी काम होता है ये पहले आप अपने माइंड में बना लेते हैं कि आपने एक फार्मूले को किस तरीके से जनरेट करना है और उसके बाद कैसे आगे काम जो है हमारा होना है. तो यहाँ पर मैं कहता हूँ बस नंबर हमारे पास मेट्रो है. ठीक है, तो हम कह रहे थे कि M101. ठीक है, और उसके बाद M102 और ऑनवर्ड जो है वो इसी तरीके से हमारे बसेस के नेम जो है वो चलेंगे. यानी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8, 9 और 10. ठीक है, तो अब इसको आगे हम देखते हैं. ठीक है, अपनी तरफ से मैं फिलिंग कर देता हूँ कि डे वन में जो हमारे पास मेट्रो जो बस है 101 जिसके नंबर है. ठीक है, इस बस ने टोटल टिकट्स जो है ना कितने सेल किए हैं. ठीक है,
50 वाले, मैं कह रहा था कि इसने 89 किए, 80 वाले इसने 69 कर दी है, और उसके बाद 100 वाले उसने कोई फोर्स कर ले कि 16 टिकट सेल किए। उसी के बाद इस तरीके से आपने अपनी तरफ से कोई फेलिंग जो है वो कर लेनी है, ठीक, अपनी मर्जी से। मैं फिलिंग कर देता हूँ यहाँ पर, जी ये डाटा हमारा फिल हो गया है, और फिल होने के बाद उसके बाद आगे हमने क्या करना है कि टोटल सेल जो है कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें इज इक्वल टू, उसके बाद ये सेल एड्रेस D6 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैं करूँगा 50 क्यों करूँगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 50 है। उसके बाद प्लस कर दूँगा, और प्लस करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा कि दिस वन मल्टीप्लाई, और उसके बाद 80 प्लस दिस वन मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सेल एड्रेसेस ले लिए, और उसके बाद ये काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे डेस ही आगे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि अगर फार्मूलों के ऊपर आपकी ग्रिप है, ठीक है, ग्रिप है तो आप कर लें, अगर नहीं है तो फिर ही आपका नुकसान है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डे का, ठीक है, ये फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ। अब हम देखते हैं मज़ीद इसको आगे ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें यहाँ पर एक और काम करना हमने कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स भी आपने यहाँ पर कर दें कि ग्रैंड टोटल, और उसके बाद सम का फार्मूला लगा के इनको आप प्लस कर लें, ठीक है, ये आ जाएंगे। ये टोटल आपके टिकट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने सेम वही काम करना है इसके साथ। हाँ, एक और काम करना है, यहाँ पर आपने इनका ग्रैंड टोटल लेना है, ये बन गया आपका, यानी 1,08,370 रुपये ये बन गए आपके। अच्छा, इस तरह जब पढ़ने में मुश्किल हो तो आप ये कॉमा स्टाइल लगा दिए करें, ताकि आपको इजीली जो है पता लग जाए कि ये लाख वाली अमाउंट है या फिर मिलियन वाली है, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा। अब क्या करना है आपने कि ये जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई 50 करें, प्लस कर दें, मल्टीप्लाई 80 प्लस करें, और मल्टीप्लाई 100। अभी अगर आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे वाले अमाउंट्स है वो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर हम डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है, अगर डिफरेंस इनका ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आपका काम जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये एक दिन की असेंबली होगी, इसी तरीके से आपने बनानी है टोटल। मैं एक आपके सामने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारे के सारे। ये सेकंड डे है, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये आपका सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे,
ये 50, ये 70, ये 8 है, ये 9 है, और ये आपका 10 हो गया। ठीक है, इन 10 डेज को दोबारा मैं देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 5 6 रह गया ना, 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे देखिए, ये जो अगर इस किस्म की आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि अमाउंट बड़ी है और उसके बाद सेल छोटा है आपका, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैं 10 डेज़ की बना देता हूँ। आप मज़ीद जो है नीचे, फिर जो 11 की है इसके नीचे ही बना लीजिएगा। ठीक है, यानी इसी तरीके से इसको कॉपी करके, और ये दो सेल दो रोज छोड़ के आप ये कर लें, तो ये आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, और ऑनवर्ड इसी तरीके से 20, फिर उसके बाद नीचे जो है 21 से लेकर 30th जो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे मैं क्या करता हूँ, शीट नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है, और शीट नंबर 2 पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, और प्रीवियस जो सेल एड्रेसेस है वो मैं उठाऊँगा यहाँ से। प्रीवियस क्या है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब शीट टू शीट फार्मूले में क्या होता है, आप देखें यहाँ पर आप तो या तो लिख लें, या फिर जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप उस तरीके से कर लें। यहाँ पर देखें D6, ठीक है, D6 है, इसका K6 है, इसके बाद इसका है R6 है, और ऑनवर्ड जो भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, इस इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा सम कर दूँगा। ठीक है, और सम कर लें या डायरेक्टली आप वहाँ से इसको उठा लें, मैं डायरेक्टली उठा लेता हूँ वहाँ से। प्रीवियस शीट पे जाता हूँ मैं, और इसका सेल एड्रेस प्लस, अब मैं भी आपको समझा देता हूँ मज़ीद। अब ये सेकंड डे का जो बस नंबर 1 है, 50 जो टिकट है इसके मैंने देखे हैं, इन सब के सेल एड्रेस मैं अभी उठा रहा हूँ। इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस कर दूंगा मैं, ये हो गया प्लस, दिस वन प्लस, ये प्लस 7, डे नंबर 7 का हो गया, उसके बाद प्लस डे नंबर 8, डे नंबर 9। ये जो बाकी टिकट्स है ये आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब देखिए मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पर 890 टोटल जो है ना वो टिकट्स हुए आपके सेल में। ये देखें ज़रा फार्मूला देखें, अगर प्रीवियस शीट से डाटा आपने उठाना है तो उस शीट का नाम आपने लिखना है। ठीक है, ये देखिए शीट 1, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शीट 1। ठीक है, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ से ये देखिए राइट क्लिक करें इसके ऊपर, राइट क्लिक, और यहाँ रीनेम लिखा होगा। ठीक है, अभी मैं नहीं चेंज करता क्योंकि फार्मूला लग चुका हुआ है। तो यहाँ पर देखें शीट 1, और उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आपने लगा देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस सेल का एड्रेस ले लेना है जहाँ का जहाँ डाटा आपका मौजूद है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको हैज इट इज़ यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। ठीक है, तो
यहाँ पर देखें 10,83,000 और 700 जो है वो इसकी सेल है टोटल महीने की। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चार्ट किस तरह का बनाएंगे हम लोग, एक बार चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास कॉलम चार्ट है, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको जरा साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपने, यानी ये मेरे पास 1 से लेकर 10 तक का रिकॉर्ड जो है मेरे पास आ गया हुआ है। नीचे इसके फिर आपने 11 से 20, फिर उसे नीचे 21 से 30 आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो रिकॉर्ड बन जाएगा। साथ साथ आप चार्ट भी जो है वो लगा लें ताकि आपको इजीली जो है वो रीड आउट कर सकें इनको। अच्छा, ये चार्ट है हमारे पास। यहाँ पर सिलेक्ट डाटा के ऊपर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, डाटा में क्या कुछ चाहिए आपको। डाटा में मुझे चाहिए यहाँ पर इनके नेम चाहिए मुझे, और उसके बाद मुझे इनके टोटल सेल मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा, तो ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें आपका चार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। चार्ट का टाइटल आप अपनी मर्जी से दे दें, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मेट्रो बस सिस्टम समरी कर लें यहाँ पर 1 to 10 days सेल्स, या ठीक है जो भी आपको देना चाहे वो दे दें, ठीक है। तो ये तरीका कार है, अगर आपके पास कोई बड़ा काम है, ठीक है, इस तरीके से आप शीट टू शीट फार्मूला लगा के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इसमें क्यूरी है, कोई मसला है, समझ नहीं आई बात की, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।